ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसे हमने बनाया है बिना ओवन के। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट सूजी केक। ये बहुत ही हेल्दी है और आज हम इसे बना रहे हैं बिना ओवन के। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बना हैं कढ़ाई में। चॉकलेट सूजी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप सूजी लेंगे और इसे मैं एक बार ग्राइंड करूँगी ताकि थोड़ी सी बारीक हो जाए। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आप वही यूज़ करें। तो ये देखिए, इसे मिक्सर में घुमा लिया है, एकदम पाउडर नहीं बनाया है, बस हल्का सा ही ग्राइंड किया है। और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और एक बाउल ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही और इसको जरा सा फेंटेंगे। अब डालेंगे इसमें एक कप और एक चौथाई कप पिसी हुई शक्कर। जी हाँ, एक कप डालेंगे, फिर एक चौथाई कप हम और डालेंगे। ये देखिए दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप तेल। आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, तेल हमें ज़रा सा भी नहीं दिखना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे तैयार की हुई एक कप सूजी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि कोई तरह के लम्स ना बने। अब इसमें डालेंगे आधा कप मैदा। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। ये ज़रूरी नहीं है आप डालें, आप बिना मैदा के भी इसे बना सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच कोको पाउडर और थोड़ा सा हम इन सबको विस्क करेंगे। अभी ये काफ़ी थिक है तो मैं ये आधा कप दूध ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे। बचा हुआ दूध भी इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, ढककर साइड में रख देंगे ताकि सूजी हमारी फूल जाए। तो मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, सूजी जरा सी फूल सी गई है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, इसे गैस पर रख देंगे और इसमें मैंने डाला है 1 कप नमक। साथ ही हमें एक स्टैंड रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हो। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। केक बनाने के लिए मैंने इस तरह का केक टिन लिया है। आपके पास अगर नहीं हो तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा कर फैलाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर और वापस से हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर और फैला लेंगे। चलिए चलते हैं बैटर की तरफ। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच वनीला एसेंस, और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, बैटर हमारा एकदम तैयार है। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इस तरह से टेप करना है ताकि एयर बबल्स निकल जाए। और ऊपर से हम थोड़े से पिस्ता और बादाम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और अगर आपके पास चोको चिप्स हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसे प्री हीटेड कढ़ाई में डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे कि जो ढक्कन हम लगा रहे हैं वो पूरा कढ़ाई के कवर होना चाहिए। और इसे 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम बेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को एकदम लोएस्ट कर देंगे। फिर इसे बेक करेंगे 30-45 मिनट्स। आप 30 मिनट्स बाद इसे चेक ज़रूर कर लें। तो मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए हैं, चलिए इसे चेक करते हैं। तो एक नाइफ डालकर देखेंगे बेक हुआ है या नहीं। तो ये देखिए, नाइफ एकदम क्लियर है, इसका मतलब परफेक्ट बेक हो गया है। अब इसे 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे डिमोल्ट करेंगे। केक ठंडा हो गया है, अब इसके चारों ओर नाइफ से इस तरह से करेंगे। और ये देखिए कितना परफेक्टली केक निकल रहा है। आपको केक के नीचे से भी दिखाती हूँ। तो
पहले ये बटर पेपर धीरे धीरे से हटा लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, बढ़िया सिक गया है। ये देखिए आपको कट करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। और खाने में तो चाहे बच्चे हो या बड़े सभी को मजा आ जाएगा। आप भी इसे जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।